बहुत कम ऐसी हिंदी फिल्में हैं जो कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बनाई गई हैं। आप उन्हें हाथों पे गिन सकते हैं, जैसे कि चौक एंड डस्टर, थ्री इडियट्स, तारे जमी पे, 2017 की हिंदी मीडियम, या फिर 2018 की हिचकी। जी हाँ दोस्तों, हिचकी फिल्म टोरेट सिंड्रोम पर तो बेस्ड है, साथ ही साथ ये एक अहम मुद्दे को भी टैकल करती है, और वो है कि स्कूल में जब आरटीई के थ्रू स्टूडेंट का एडमिशन होता है, जो कि गरीब तबके के होते हैं, उनके साथ किस तरीके का भेदभाव होता है, किस तरीके से उन्हें अंडरडॉग की तरह प्रेजेंट किया जाता है, उन्हें अंडर एस्टिमेट किया जाता है, इन सारे मुद्दों पर बात करती है फिल्म हिचकी। चलिए बात करते हैं स्टोरी लाइन की, तो ज्यादा यहाँ पे बिल्कुल रिवील नहीं करूंगा, जो ट्रेलर में है वही आपको बताऊंगा कि एक लड़की है नैना माथुर, वो टीचर बनना चाहती है, लेकिन उसकी आदत है ऐसे करने की, यानी कि हिचकी को कंट्रोल करने की, जो कि जब वो ज्यादा नर्वस हो जाती है तब उसे और आती है, या फिर ज्यादा गुस्से में होती है, या फिर थोड़ा सा डर गई होती है, तब उसे ये हिचकी बर्दाश्त नहीं होती और वो और करने लग जाती है। अब यहां पर ये जब कभी भी इंटरव्यू में जाती है, टीचर बनना चाहती है ये, तो ये जब कभी भी इंटरव्यू में जाती है इसी तरीके की नर्वसनेस इसे फील होती है और इसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। फाइनली उसे एक बहुत बड़े स्कूल में जॉब मिलती है, ये जॉब करके आती है, वो भी मिड टर्म से आती है, लेकिन यहां पर जैसे ही वो एंटर करती है उसे मिलती है 9th F, और 9th F में होता है पंगा। जी हाँ, 9th F में होते हैं आरटी से आए हुए वो स्टूडेंट जो कि गरीब तबके के हैं, जो कि एक नंबर के बदमाश है, सिर्फ 14 है लेकिन ये 40 के बराबर बदमाश है। जी हाँ, कोई यहाँ पर चूहा अपनी क्लास में लेकर आ रहा है, अपना पालतू चूहा अपने पिंजरे में क्लास में लेकर आ रहा है, तो कोई क्लास में बैठे बैठा रैप बना रहा है, तो कोई क्लास में बैठा बैठा दोस्तों इथेनर सूंघ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया इसमें कि अलग अलग कैरेक्टर को एक क्लास में लेकर आए हैं। अब यहाँ पर नैना माथुर को यहाँ पर सामना करना है अपने टोरेट सिंड्रोम का भी, और साथ ही साथ इन 14 बच्चों का भी जिन्होंने नैना माथुर की नाक में दम कर रखा है। क्या नैना माथुर इनको सुधार पाएगी, क्या नैना माथुर इनको सही ट्रैक पे ले आएगी, या फिर नैना माथुर उन लोगों की मेंटालिटी चेंज कर पाएगी जो कि इन बच्चों को अंडर प्रिविलेज समझते हैं और अंडर डॉग की तरह ट्रीट करते हैं। वेल, इसके लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये फिल्म वर्थ वॉचिंग है। बात करते हैं अब दोस्तों डायरेक्शन की। देखिए, एक बहुत सिंपल सा आइडिया है इसमें फिल्म में कि कभी भी कोई बच्चा विद्यार्थी बुरा नहीं होता, बुरे होते हैं तो टीचर्स, या फिर अच्छे होते हैं तो टीचर्स, और इसी एक छोटी सी लाइन को किस तरीके से कहानी पे पिरोना है और उसमें टोरेट सिंड्रोम को ऐड करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो कि सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने बखूबी से निभाया है। हालांकि यहाँ पे मैं तारीफ तो उनकी करूंगा ही करूंगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों ये भी कहूंगा कि सिद्धार्थ जी आपने ना क्लीशेज दिखाए हैं, बहुत ही ज्यादा क्लीशे हैं सीन्स, किस तरीके से रानी मुखर्जी का हाथ मेल्ट होता है, किस तरीके से बच्चों का भी हाथ मेल्ट होता है, जो बहुत सारी चीजें बहुत क्लीशे हैं और आप इजीली ऑब्जर्व कर जाएंगे, हाँ यार यहाँ पे ये होने वाला है, यहाँ पे ये होने वाला है, लेकिन लेट मी टेल यू कि इसका जो क्लाइमेक्स है वो अनप्रिडिक्टेबल है, और आप क्लाइमेक्स देखकर आपको मजा आएगा और आपके आंसू भी आएंगे लिटरली। मैं एक बार लास्ट में जो सॉन्ग है इसमें, उसमें मुझे रोना आ जाता है, और थैंक्स टू डायरेक्टर, आपने इस फिल्म के जरिए मुझे हंसाया, मुझे गुदगुदाया, मुझे वल्नरेबल फील कराया, और साथ ही साथ मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल फील कराया टुवर्ड्स माई टीचर। अब बात करते हैं दोस्तों कैमरा एंगल्स और टेक्निकलिटीज की, तो फिल्म में वो बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है, जिस तरीके से कास्टिंग की गई है, मुझे पर्सनली कास्टिंग बहुत ज्यादा पसंद आई है दोस्तों। बच्चों को जो कि स्लम से बिलोंग करते हैं, जो कि बैंड्रा में जो स्लम है वहां पर रहते हैं, उनको वहां से पिक करना, और सब ये जो बच्चे हैं ना, ये 14 बच्चे, ये अलग अलग हैं, मतलब कोई खाना बनाने में माहिर है, भिंडी काट, वो एक लड़की क्लास में भिंडी लेकर आती है और वो भिंडी काटती रहती है, एक लड़की अपने दो पालतू चूहों को लेकर आती है, एक लड़का इथेनर पी रहा है क्लास के अंदर बैठ के, एक लड़का जो है सिर्फ रैप रैप कर रहा है, तो ये सारे जो अलग अलग नमूने हैं ना, ये डायरेक्टर ने और कास्टिंग डायरेक्टर ने बहुत ही सोच समझ के निकाले हैं, और उसके लिए मैं डेफिनेटली बधाई देना चाहता हूं कास्टिंग डायरेक्टर को, आपने बहुत शानदार काम किया है। अब बात करते हैं म्यूजिक का, तो म्यूजिक तो दोस्तों गाना ऐसे कोई भी नहीं है जो कि आपके दिमाग में रह जाएगा फिल्म देखने के बाद, कोई भी ऐसा फ्लैशी सॉन्ग नहीं है जो कि अचानक से आ जाएगा, या फिर कोई ऐसा लाउड सॉन्ग नहीं है, जो भी सॉन्ग आ रहे हैं वो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, कोई भी मतलब चाहे वो रानी मुखर्जी को जब जॉब मिलती है उस टाइम का जो एक विनर सॉन्ग होता है, जो विनिंग सॉन्ग होता है वो हो, या फिर बच्चे कुछ काम कर रहे हैं वो सॉन्ग हो, तो ऐसे कोई भी सॉन्ग नहीं है दोस्तों जो कि आपको लगेगा कि इसमें जबरदस्ती का डाल दिया गया है, तो वो एवरेज है।
बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है दोस्तों, लेट मी टेल यू। और बैकग्राउंड स्कोर आपको चाहे वो स्लम का इफेक्ट हो या फिर स्कूल का इफेक्ट हो, वो पूरी तरीके से सामने लेकर आता है। एंड दूसरी चीज मुझे ये अच्छी लगी दोस्तों कि फिल्म में जो है कैरेक्टर्स को स्पेस दिया गया है, चाहे वो नैना माथुर का कैरेक्टर हो या फिर नैना माथुर के पेरेंट्स का कैरेक्टर हो, जो कि प्ले किया है टेरिफिक एक्टर सचिन पिलगांवकर और उनकी वाइफ ने। बहुत ही अमेजिंग काम किया, दोनों हस्बैंड वाइफ बने हैं फिल्म के अंदर, रानी मुखर्जी के माता पिता बने हैं दोस्तों, और उन्होंने पूरी तरीके से कैरेक्टर को जिया है। और फिर यहाँ पर रानी मुखर्जी के एक छोटा भाई बने हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। लेकिन मेन जो फिल्म का अट्रैक्शन है वो है रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी ने दोस्तों मैं क्या बोलूं, ब्लैक, उसके बाद मर्दानी और कुछ कुछ होता है, अब तो रानी मुखर्जी मेरे दिलों की फिर से रानी बन चुकी है। रानी मुखर्जी ने इस फिल्म के जरिए प्रूव कर दिया है कि टैलेंट चाहे किसी भी उम्र में पहुंच जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, टैलेंट तो टैलेंट ही रहता है बॉस। और रानी मुखर्जी है ना सुपरस्टार के साथ साथ वो सुपर एक्टर भी हैं। उन्होंने ट्यूरेट सिंड्रोम से जो ग्रसित लड़की का कैरेक्टर किया है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया है। और टीचर तो वो अपनी रियल लाइफ में है ही दोस्तों, टीचर का भी काम उन्होंने उतने ही सटीक अंदाज में किया है। फिल्म में बहुत सारे ऐसे ब्रेकडाउन्स आते हैं जब आपकी जो पूरी सिंपैथी है वो रानी मुखर्जी की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एक्टिंग से हमें फील करवाया है। जी हाँ, और रानी मुखर्जी के साथ साथ वो जो 14 बच्चे हैं वो बड़े नटखट हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, आपको मजा आएगा। इसमें एक लड़का है दोस्तों और वो बहुत ही बदमाश होता है, आपको समझ में आ जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ट्रेलर में पता चल जाता है, जो कि बोलता है कि मैम कभी भी, मतलब कभी भी आपको कॉल कर सकता हूँ। उसकी एक सोलो स्पीच है, एक सोलो मोनोलॉग है दोस्तों, अगर आप उस ध्यान से सुनेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। उसने पूरी बात बताई है उसमें कि क्या होता है क्या नहीं होता और किस तरीके से आप हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो, रानी मुखर्जी को वो बोल रहा है, रोना आ जाता है दोस्तों। और लिटरली उसने बांधे रखा है, ही इज टेरिफिक एक्टर, वो आगे जाके डेफिनेटली अच्छा काम करेगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो फिल्म में विलन तो बस एक ही है, ट्यूरेट सिंड्रोम, जिसकी वजह से रानी मुखर्जी का कैरेक्टर ठीक से ग्रो नहीं कर पाता और अपनी लाइफ में वो चीजें जल्दी अचीव नहीं कर पाता, लेकिन फाइनली अचीव करता है। मैं लास्ट का एक जो म्यूजिक, एक सॉन्ग है पर्टिकुलर सॉन्ग, जब एज डिफरेंस दिखाया जाता है तो उसके बारे में बताना चाहता हूं, वो जब आप सुनेंगे तो आपको लिटरली इमोशन सारे बाहर आपके निकलेंगे, आपको रोना आ जाएगा क्योंकि वो इतना ज्यादा इमोशनल है। और ऊपर से रानी मुखर्जी की एक्टिंग काबिले तारीफ है। अगर मैं होलसम फिल्म की बात करूं तो फिल्म एंटरटेनिंग है, इंगेजिंग है, डिलाइटफुल है, लेकिन साथ ही साथ क्लीशे से भरी हुई है जो कि आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, इस वीकेंड अगर आपको कुछ नहीं टाइम है, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो प्लीज ये फिल्म जाके देखिए क्योंकि ये वर्थ वॉचिंग है। यशराज ऐसी फिल्में बहुत कम बनाता है तो इसलिए यार जाइए और फिल्म जाके इंजॉय कीजिए, क्योंकि रानी मुखर्जी ने शानदार काम किया है और उनका जो एक कमबैक हुआ है आफ्टर मर्दानी काबिले तारीफ है। 5 में से स्टार्स तो नहीं, लेकिन मैं 10 में से इसको मार्क जरूर देना चाहूंगा दोस्तों, तो 10 में से मैं इसे 8 मार्क जरूर देना चाहूंगा। आप भी फिल्म देखिए फटाफट यार, कमेंट सेक्शन आपका है, मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी फिल्म, क्या कहना चाहते हैं फिल्म के बारे में। ठीक है, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, आपके रिव्यूज का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर।